वेलकम टू पटरी बोर्ड यूट्यूब चैनल। सो आज की जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। जो बच्चे अभी 10th, जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए HBSE बोर्ड के, और जिनको अभी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये जो है नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओबियसली दैनिक भास्कर एडिशन में आप ये देख सकते हो। आज की आपकी जो है न्यूज़ है ये, सरकारी स्कूलों में अब सुपर 600, ठीक है। एक बार मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्चुअली आपको समझ भी नहीं आया होगा कि ये है क्या। तो इसमें ये होता है कि अभी जिन भी बच्चों के 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, बट वो इन फ्यूचर नीट या जेई IIT जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हमारी जो है गवर्नमेंट ने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है कंवर पाल जी, उन्होंने काफी अच्छा स्टेप लिया है कि बच्चों की जो स्टडी है वो काफी सुटेबल तरीके से, और मतलब अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट है और वो नीट और जेई की कोचिंग के लिए इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग सेंटर्स पे आजकल अवेलेबल है, सो उन बच्चों के लिए काफी अच्छा स्टेप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरिट वाले 400 और वेटिंग वाले 200, टोटल 600 बच्चों को जो है ये फैसिलिटी मिलेगी कि जो बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बट इन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो अप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 10th में जो आपके मार्क्स आएंगे वो कंसिडर नहीं करते, यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद जो आपके स्कोर आते हैं उनमें से 600 बच्चों को गवर्नमेंट चूज करती है, फिर उन्हीं बच्चों को ये क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। सो आपको मतलब जो एग्जाम आप दोगे उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें आपके 10th के कोई मार्क्स जो है मैटर नहीं करते। 9th स्टैंडर्ड में जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके बिहाफ पर आप एग्जाम के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हो, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बार 10th के बजाय 9वीं कक्षा के 60% अंक जरूरी है, यानी कि 10th के अलावा 9th में जिस बच्चे के 60% मार्क्स है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। बट ये मतलब बच्चा कौन दे सकते हैं, जिसके जस्ट अभी एग्जाम हुए, जिनको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है। और एक और इसमें कंडीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 11वीं में सरकारी स्कूलों में ही दाखिला लेंगे, यानी कि जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और उन्हीं बच्चों को फैसिलिटी मिलेगी, वही 600 बच्चे चूज किए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं आप प्राइवेट से कर रहे हो 11th और फिर आप ये एग्जाम दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि भी आप भी उसमें एनरोल हो सकते हो, तो ये कंडीशन है। 10th के बाद अब जो भी बच्चा 11th स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी 9th स्टैंडर्ड में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जैसे आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोर्टल मिल जाएगा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, वहां पे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। दो लेवल्स में आपके एग्जाम रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स के आपके जैसे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद 15 जुलाई से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 15 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये आपको क्लियर है। 9th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 11th में आपका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, देन आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद ये रहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 15 मई से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो एग्जाम के लिए आपका पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 to 31 मई, ठीक है। 15 से 31 मई तक जो है आपका पोर्टल ओपन रहेगा, वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद 4 जून को आपका एग्जाम रहेगा, फर्स्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है, 4 जून को। उसके बाद 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर दैट 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा जो 24 जून से, ठीक है, 24 जून से 8 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका अगेन जो है प्रैक्टिकल जो भी आपका एग्जाम रहेगा, फिर उसका रिजल्ट आपका 10 जुलाई को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। आफ्टर दैट ये दोनों प्रोसेस होने के बाद 15 जुलाई से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें से 600 बच्चे चूज किए जाएंगे, 400 बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी, एंड जो 200 है उनको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। किसके रिगार्डिंग, जो बच्चे नीट और जेई के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं,
अभी से। एलिजिबिलिटी आपको पता है, इसके लिए आईआईटी या नीट जेई जिसके लिए भी आप करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली 12th बेसिस की एलिजिबिलिटी रहती है, 11th 12th की आपकी साइंस रहती है। तो अभी जो बच्चे 11th अभी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन 600 बच्चों को गवर्नमेंट चूज करेगी और उनको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करवाएगी। जिन बच्चों के सबसे ज्यादा रैंक होगी उनको ऑफलाइन 400 बच्चों को, उनमें से कम रैंक वाले 200 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। इसके लिए आपके 9th में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड 11th में जो है आपका एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है जो आपका 15 से 31 मई तक चलेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा, देन उसका रिजल्ट आएगा, उसमें जो भी बच्चे क्वालिफाइड होंगे फिर वो सेकंड लेवल के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपको प्रोसेस समझ आया होगा और सिस्टम क्या है ये सब समझ आया होगा। तो जो भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जो अभी से चाहते हैं नीट जेई या जो भी आईआईटी जेई वगैरह के आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्लीज एक्टिव रहिए। जैसे ही पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। वैसे जैसे ये अपडेट आई तो आप देख सकते हो आज की ही न्यूज है ये, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट आई है तो वैसे ही अगर आपके कोई भी अपडेट आती है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या जो भी इस एग्जाम को लेके, तो ऑब्वियसली आपको इसे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर फिर भी अगर आपके कोई क्यूरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आपको क्या चीज समझ आ रही है और क्या नहीं आ रही है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि ये जो है नोटिफिकेशन आपको यूजफुल लगी होगी एंड प्लीज ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल पर एक्टिव रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।